छात्राएं उन पुस्तकों को कैसे अपने जीवन में उतार सकती है, कैसी पुस्तकें हो सकती है जो पाठ्यक्रम से इतर हैं, जिनको हमें शायद पढ़ना चाहिए, उनके बारे में भी अवगत कराएं। सुविधाओं में लेखन को कैसे निखारा जा सकता है, उससे जुड़कर अपनी प्रतिभाओं को निखार, निरंतर अभ्यास से ही जो है वह निखारा, और कुछ जो कमियां नजर आ रही थी उन्हें, उन कमियों से भी उन्हें अवगत कराया। उन्होंने सराहना भी की कि महाविद्यालय स्तर की छात्राओं में यह प्रतिभा है कि वो अगर निरंतर अभ्यास करें तो यह कहानियां लिखी जा सकती है। सभी 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। बीएन गर्ल्स कॉलेज राजसमंद में साहित्यिक अभिरुचि संवर्धन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला के आयोजन को लेकर क्या उद्देश्य हैं, इसमें क्या कुछ रहा, जानते हैं हमारे साथ में कॉलेज के ही इस कार्यक्रम के प्रभारी। पहले तो आपका थोड़ा सा परिचय दें, उसके बाद कार्यक्रम ये किस उद्देश्य से रखा है, क्या इसका ध्येय था, वो थोड़ा सा। नमस्कार सर, मैं हिंदी विभाग से डॉक्टर संपतलाल रेगर, विभाग अध्यक्ष एवं संयोजक कार्यक्रम रहा। 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था साहित्यिक अभिरुचि एवं संवर्धन विषय पर। आज 3रा दिन था और इसमें हमारे आज के कार्यक्रम की जो मुख्य वक्ता थी वो राष्ट्रीय बाल साहित्यकार श्रीमती कुसुम जी अग्रवाल रही। और इस कार्यक्रम की अगर उद्देश्यों की बात करें तो इसमें सबसे पहले तो आज के वर्तमान युवा पीढ़ी के दौर में, जब युवा आज साहित्य से दूर भाग रहा है और मोबाइल के प्रति जो उसकी अभिरुचि बढ़ती जा रही है, ऐसे समय में हमें साहित्य में कैसे अभिरुचि उत्पन्न की जाए, कैसे साहित्य से उसका लगाव पुनः हो, इस संदर्भ में हमने विशेषज्ञ के रूप में कुसुम जी अग्रवाल को हमने आमंत्रित किया और उन्होंने आज के कार्यक्रम में बहुत अच्छे तरीके से जो है छात्राओं को साहित्य में कैसे अभिरुचि उत्पन्न की जाए, क्या कारण उसके हैं, क्या कारण रहे हैं, वो बताते हुए उन्हें बिल्कुल बिल्कुल प्रायोगिक रूप से उन्होंने ऐसी थीम दी गई, जिस पर उन्होंने अलग अलग थीम पर विद्यार्थियों ने जो है वह कहानियों की रचना की और फिर कहानियों का मूल्यांकन उन्होंने अपने दृष्टिकोण से किया। और उन्होंने सराहना भी की कि महाविद्यालय स्तर की छात्राओं में यह प्रतिभा है कि वो अगर निरंतर अभ्यास करें तो यह कहानियाँ लिखी जा सकती है, वो सभी विधाओं में पारंगत हो सकती है। और कुछ जो कमियाँ नज़र आ रही थी उन्हें, उन कमियों से भी उन्हें अवगत कराया कि आपको व्याकरणिक अशुद्धियों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए और जो कहानी के तत्व हैं, उन कहानी के तात्विक स्वरूप की अगर आप पूरी रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए अगर कहानी को लिख रहे हैं तो वह कहानी एक निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ कहानी साबित होगी। और प्रकाशन के दौर में भी यह कहानियाँ आपकी बड़ी सहजता से किसी भी बड़े पब्लिशर द्वारा प्रकाशित की जा सकती है, क्योंकि पूर्व में जो कहानियाँ होती थी वो मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई और जो प्रारंभिक कहानियाँ थी वह प्रारंभिक कहानियाँ केवल और केवल मनोरंजन और शिक्षा के माध्यम से रही थी और उसमें कहीं कहीं तात्विक जो पक्ष था वो कमजोर रहा था। लेकिन अभी वर्तमान में जो कहानियाँ लिखी जा रही है वो सभी पक्षों को, सभी तत्वों को ध्यान में रखकर लिखी जा रही है। आप निरंतर अभ्यास करते रहें और निरंतर अभ्यास से ही जो है वह निखार आता है, तो उन्होंने यह सभी अपने वक्तव्य में बताया। साथ ही अन्य वक्ता के रूप में हमारे साथ साकेत साहित्य संस्थान के महासचिव भी उपस्थित थे। उन्होंने साकेत साहित्य संस्थान के उद्देश्यों को बताते हुए आग्रह किया कि जो भी नव प्रतिभाएँ हैं वो संस्थान से जुड़कर अपना संस्थान में परिचय देते हुए और विधाओं में लेखन को कैसे निखारा जा सकता है, उससे जुड़कर अपनी प्रतिभाओं को निखार सकती है। 3रे दिवस का समापन इसी के साथ किया गया और पूर्व में अगर बात करें तो 2 दिवसीय प्रथम दिवस में हमने जो है वह पंजीकरण किया गया, जिसमें हिंदी विभाग के अलावा अन्य सभी संकायों की छात्राओं ने भी पंजीयन किया। 2रे दिवस पर हमने राजस्थान राजसमंद पुस्तक मेला जो आयोजित हुआ था उसमें हमने छात्राओं को ले जाया गया, जहाँ पर विभिन्न जो स्टॉल्स लगे हुए थे उन पर छात्राओं को ले जाया गया। वहाँ पर उन्होंने विज्ञान की, गणित की और तार्किक क्षमताओं का अध्ययन किया, साथ ही अन्य जो है प्रतिभाओं को कैसे निखारा जा सकता है, जो भी गतिविधियाँ जहाँ आयोजित हो रही थी उन स्टॉल्स पे गए। साथ ही अलग अलग भारतवर्ष की जो अलग अलग प्रकाशक हैं उनके द्वारा जो पुस्तकों का संकलन था उन पुस्तकों में भी विजिट करवाया गया, ताकि छात्राएं उन पुस्तकों को कैसे अपने जीवन में उतार सकती है, कैसी पुस्तकें हो सकती है जो पाठ्यक्रम से इतर हैं, जिनको हमें शायद पढ़ना चाहिए, उनके बारे में भी अवगत कराया गया। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से कार्यक्रम जो है निश्चित तौर पर साहित्यिक दृष्टि से पुस्तकें पढ़ने से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और निश्चित तौर पर जो वक्ताओं ने इस कार्यशाला में बताया है, यह न सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट बल्कि हर
छात्र छात्राओं को अपने जहन में उतारने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आपको बता दें कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर संपत लाल जी रेगर, आपने बताया कि इस कार्यक्रम में करीब 150 से ज़्यादा छात्राओं ने भाग लिया। कार्यशाला में साहित्यकारों की पृष्ठभूमि को तैयार करने में मजबूत आधार जो ये बनता है मुख्य रूप से, कार्यशाला में डॉक्टर अनुसुईया उपाध्याय, डॉक्टर ललिता राठौड़, डॉक्टर सांत्वना बापना, डॉक्टर कमलेश पालीवाल, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चुंडावत आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन रानी कुमारी जी ने किया। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ, धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथ द्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।